अच्छा एक बात बताओ, तो मान लो अमन तुम बताना, तेरे पास तीन नंबर है, 1 2 3, इससे तुम कितना नंबर बना सकते हो? प्रैक्टिकली करके समझाओ। सर इससे मतलब सर 3 डिजिट में 2 डिजिट में कैसे? थ्री थ्री डिजिट, डिजिट में एक सर 1 2 3 तीन है बन तेरे पास? जाएगा, नहीं, एक तीन होगा चार बन वन जाएगा। थ्री टू, फिर होगा 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 बना। तो इसको बोलेंगे परम्यूटेशन। तीन डिजिट तुमको दिया हुआ है, तीन डिजिट से तुम 6 नंबर बना सकते हो अगर तुम तीनों को एक साथ लेते हो तो। क्लियर है अमन? यस सर। अब तुम 1 2 3 में कोई दो ले लो, तो कोई दो लेके कैसे बनेगा? 1 2 2 1, फिर 2 3 3 2, 1 3 3 1, तो भी 6 बना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर तीन अगर है और तुमको तीनों को साथ में लेके बनाना है तो कितना तरीका बना? फैक्टोरियल थ्री तरीका। फैक्टोरियल थ्री तरीका क्या होता है? 1 × 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो इसको अरेंजमेंट बोलेंगे। अब 1 2 3 है, इसमें से दो लेके बनाना है, तो 1 2 2 1, 2 3 3 2, 1 3 3 1 बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे 3P2, तीन में से दो लेके बनाइए। और इस ए वाला केस जो है उसको बोलेंगे 3P3, तीन में से तीनों को लेके बनाइए। तो तीन में से तीनों को लेके हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल थ्री आता है। उसी तरह अगर हमारे पास एन नंबर हो या एन चीजें हो, एंड वी हैव टू अरेंज ऑल दोस एन आइटम्स, टेकिंग ऑल द एन आइटम्स, एंड रिमेंबर ऑल द एन आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, जैसे 1 2 3 में एकदम अलग है, तो हम उसका आंसर होता है फैक्टोरियल एन। अगर एन चीज है और एन चीज में से एन को लेके अरेंज करना है तो उसका तरीका होगा फैक्टोरियल एन। करेक्ट? और तो कोई डेफिनेशन तुमसे पूछने नहीं जाएगा कि व्हाट इज परम्यूटेशन, बट परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और आइटम्स इन ए स्पेसिफिक वे और ऑर्डर। तो इसमें कमाल का बात क्या है अमन, कि हर सवाल एकदम अलग अलग तरीका से होगा, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होगा। फंडामेंटल एक फॉर्मूला है NPR, एन चीजों में से आर चीजों को लेके बनाना है तो उसको NPR बोलते हैं, बट हर एक में तुमको स्टोरी प्रॉब्लम जैसा। इन हाउ मेनी वेज एन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इफ वी टेक ऑल एन ऑब्जेक्ट, क्या आंसर होगा अमन बताओ? NPN हो जाएगा सर। ना, इसका आंसर क्या होगा? अभी बताए थे ना कि तीन चीजें हैं, तीनों को लेके बनाए तो कितना बनेगा? तीन चीजें थ्री सर, पी थ्री तो फिक्टोरियल एन, NPN हो जाएगा। फिक्टोरियल एन या NPN, या उसको बोलेंगे फिक्टोरियल एन। हाँ सर, NPN बोला था। हाँ ठीक है, NPN है उसका फिक्टोरियल एन होगा। हाउ मेनी थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विथ 2, 7 एंड 9? सेम आंसर आएगा, 2, 7 एंड 9 है, तो इसको लेके बनाओगे तो आंसर आएगा फिक्टोरियल थ्री, दैट इज 6। इफ वी टेक आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर की वर्ड है डिफरेंट, याद रखना डिफरेंट, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है, जैसे अगर आप 1 2 3 लिखे हैं तो 1 एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, तो देखो इसमें कैसे सवाल बनाते हैं, बहुत इजी है। इसको बोलते हैं NPR, और NPR क्यों आया है? सिर्फ अभी फॉर्मूला को समझने का कोशिश करते हैं। तेरे पास n चीज है, तो हम फॉर द टाइमिंग उसको 1 2 3 4 ऐसा करते 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 n लिख रहे हैं। मान लो तेरे पास n बॉल है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखा हुआ उस पे, और तेरे को n गड्ढा को भरना है, तो पहला गड्ढा जो होगा उसमें तुम कितना बॉल डाल सकते हो निशान?
यस सर। पहला गड्ढा में तुम्हारे पास कितने चॉइस है, कितने तरह का बॉल में डाल सकते हो? सर जितना चाहे उतना बॉल डाल सकते हैं। कितना अमन तुम बताओ? सर एन। हाँ वेरी गुड, क्योंकि एन बॉल है, कोई एक तो बॉल को उठा के इसमें डाल देंगे, तो पहला गड्ढा को भरने के लिए मेरे पास एन तरीका है, एन वाला। अच्छा अब दूसरा, और गड्ढा भी एन है याद रखो, गड्ढा भी ऐसे करते करते एन गड्ढा है। अब दूसरे गड्ढा को भरना है, क्योंकि नो वन कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब एन में से तो एक बॉल घट गया ना, तो दूसरा वाला गड्ढा हम जब भरेंगे तो मेरे पास कितना तरीका अवेलेबल है? एन माइनस वन। वेरी गुड, एन माइनस वन। तीसरा गड्ढा के लिए एन माइनस टू, चौथा गड्ढा के लिए एन माइनस थ्री, और ऐसे लास्ट तक जब पहुंचोगे तो सिर्फ एक ही बॉल बचेगा, तो लास्ट गड्ढा के लिए ऑप्शन नहीं है, वही वाला डालना, ठीक है? अब पूरा तरीका कितना हुआ? तो पूरा तरीका होगा 1 into 2 into 3 up to n factorial n। क्यों हम लोग बोलते हैं कि एक अगर कोई घटना साइमल्टेनियसली घट रहा है, तो एक को होने का अगर तरीका x है और दूसरे का तरीका y है, तो दोनों घटना को मिला के घटने का तरीका x into y हो जाता है। इसको थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं परमुटेशन में। और जोड़ते कब है? जब घटनाएं अलग अलग घटती है। जैसे तुम मान लो तेरे पास दो सिक्का है, तो पहला सिक्का को तुम उछालते हो तो क्या आ सकता है बताओ? हेड या टेल? हेड या टेल। दूसरा सिक्का को उछालते हो तो भी हेड एंड टेल आएगा। अब दोनों सिक्का को एक साथ उछालो, तो इसका दो तरीका है और इसका दो तरीका है, तो दोनों का फाइनली एक साथ काम हो रहा है, देन 2 into 2 multiply by 2 4 हो जाएगा। कैसे? हेड, इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया, एक तरीका हो गया। इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें भी टेल आया, तो कितना तरीका हुआ? 1 2 3 4। तो इंडिविजुअल तरीका दो दो था, दोनों घटना एक साथ घट रहे हैं, तो 2 multiply by 2 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन परमुटेशन। तो अगर n चीजें हैं और n चीजों में से पूरे के पूरे n चीज हमको ले लेने हैं, तो उसको बनाने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल n। अब आओ, n चीजों में से r चीज लेना है, मतलब तेरे पास बॉल जो है वो n है और गड्ढा जो है वो कम है, तो गड्ढा जो है वो मान लो r गड्ढा है, n नहीं है, r गड्ढा है। तो पहला वाला जो गड्ढा है उसमें हाउ मेनी वेज, यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉल कैन बी पुट, n नंबर ऑफ बॉल है, इसलिए इसमें n डाल सकते हैं। तरीका कितना है? n तरीका निकलेगा। दूसरा वाला के लिए n माइनस 1 निकलेगा, तीसरा वाला के लिए n माइनस 2 निकलेगा। तो देखो ये पहला गड्ढा, ये दूसरा गड्ढा, ये तीसरा गड्ढा, तो देख तुम ध्यान दोगे, ये 2 है तो यहां 1 आ रहा, ये 3 है तो यहां 2 आ रहा, वैसे यहां r है तो यहां n ऊपर में जितना नंबर है उससे एक कम, तो n माइनस r माइनस 1 वे होगा, n माइनस r माइनस 1 वे। कैसे? पहला के लिए n वे मतलब n माइनस 0, दूसरा के लिए एक कम हो गया तो n माइनस 1, तो ऊपर 2 है तो यहां पर माइनस में 1 आ रहा, फिर तीसरा के लिए n माइनस 2, ऊपर 3 है तो यहां 2 आ रहा, तो उसी तरह r1 में पहुंचोगे तो r माइनस 1 हो जाएगा। एक साथ अगर सबको देखते हैं गड्ढा भरने का कितना तरीका है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 करते 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 कहां तक जा रहा है? n माइनस r माइनस 1, ठीक है?
अब हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर इसको वन से गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस आर माइनस वन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पर n माइनस आर माइनस टू करते हैं, फिर यहां पर n माइनस आर माइनस थ्री करते हैं। तो और ऐसे करते 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 यहां पे वन तक ले जाते हैं और इसी चीज से भाग दे देते हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री करते करते n माइनस आर तक। देखो ये सॉरी, यहां पर n r माइनस वन था, यहां r होगा, फिर यहां r प्लस वन होगा। मतलब ऐसा करो कि वन से लेकर n तक गुना करते हैं तो एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाता है, तो ऊपर में फैक्टोरियल n आएगा और नीचे में फैक्टोरियल n माइनस r आएगा। इसको हम एक नंबर लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। सपोज तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉल है और तेरे पास सिर्फ तीन गड्ढे हैं, तो तीन गड्ढे में पहला गड्ढा कितना से भरा जाएगा, 10 से, दूसरा 9 से, तीसरा 8 से, यही वे है। अब हम क्या करेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करते 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 7 तक लाएंगे यहां पर, मतलब 5, 6, 7, और नीचे में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग दे देंगे। तो क्या ये कट जाएगा, तो एक्चुअली में कोई अंतर नहीं आया। अब देखो यहां 1 से लेकर 10 तक गुना किए हो तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 10, और नीचे 1 से लेकर 7 तक गुना किए हो तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 7। तो हमने क्या बोला था, 10 समान है उसमें से 3 को लेके अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 10 by factorial 7, 7 को लिख सकते हैं 10 minus 3, तो NPR इसका फॉर्मूला होता है factorial N by factorial N minus R। देखो प्रिंटिंग में factorial को हम लोग ऐसे लिखते हैं बट हम राइटिंग में हम ऐसे लिखते हैं। तो देखो NPR क्या हुआ, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 up to r factor, मतलब जैसे हम लोग पहले समझाए थे n minus r minus 1, तो इसको ढंग से करोगे तो n minus 1 plus 1 हो जाएगा, ये minus minus हो गया तो plus 1 हो गया। इसको 1 से गुना किए, अब क्या किए, जब 1 से गुना किए तो 1 2 करते 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 n minus R plus 1 तक है, तो इसका पहले वाला टर्म क्या होगा, naturally L minus N minus R होगा, इसी से गुना कर दिए और इसी से भाग कर दिए, तब ऊपर वाला टर्म हो गया factorial N, नीचे वाला हो गया factorial N minus R। Hence the guru mantra is NPR NPR equal to factorial N by factorial N minus R। इस समझ में आया है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो भी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना याद रख लो NPR मतलब N चीजों में से R चीजों को अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। शर्त ये है कि वो N चीज है वो टोटल एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, कोई एक नहीं है। नाउ इफ वी टेक R objects from n different object, in how many ways it can be arranged if repetition is allowed? अगर repetition allowed है, तब बताओ अमन तेरे पास 1, 2, 3 तीन नंबर है, ठीक है, तो पहला गड्ढा को कितना तरीका से भर सकते हैं अमन बताओ। या अमन बताइए सर, तीन तरीका से। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या है कि वन भर गया लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए दूसरा गड्ढा में भरने के लिए वन फिर से अवेलेबल मिलेगा, तो दूसरा गड्ढा को कितना तरीका से भर सकते हैं,
थ्री प्लस टू नहीं, थ्री इंटू टू मतलब सिक्स नहीं, इसको भी थ्री तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि पहला में वन टू थ्री हम तीनों में डाल सकते थे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो दूसरा को हम दो तरीका से भर सकते थे, लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए दूसरा को भी हम तीन तरीका से भर सकते हैं। वन टू थ्री कुछ भी डाल दो, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, रिपीटेशन अलाउड है बोला गया है। और तीसरा में भी तीन तरीका, मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब थ्री का पावर थ्री। तो इसमें अगर अगर रिपीटेशन अलाउड है तब देखो n टू द पावर r होता है। कैसे? तेरे पास कितना बॉल है? n बॉल है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n है। गड्ढा कितना है? r गड्ढा है। तो पहला को कितना से भर सकते हैं? n में से कोई एक उठा के भर देंगे। सो इट कैन बी फिल्ड बाय n नंबर ऑफ वेज। सेकेंड वाला कितना से होगा? अगर रिपीटेशन नहीं है, अलाउड नहीं है, तो n माइनस वन हो जाएगा। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ए भी n से होगा, तीसरा वाला भी n से होगा, और लास्ट r वाला भी n से होगा। और फिर सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n into n कितना बार है? n r बार आ रहा है, hence n to the power r हो जाएगा। तो if repetition is not allowed, then factorial n by factorial n minus r होगा। If repetition is allowed, the n to the power r होगा। अब question देखते हैं। How many digit, three digit numbers can be formed from 1, 2, 3, 4, 5, assuming that repetition of digit is allowed? एंड सेकेंड है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो देखो यहां पर n कितना है, निशांत बताइए n कितना है? तो थ्री नहीं, कैसे थ्री हो? n तो फाइव। और r कितना है? थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो r कितना हो गया? थ्री। अब क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड होने का फॉर्मूला क्या है? एन टू दी पावर आर, मतलब 5 to the power 3। अगर रिपीटेशन अलाउड है तब, और अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तब क्या होगा? 5p3, मतलब फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब 5, 4, 3, 2, 1 बाई दो, दो से दो कट गया, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो 60 वेज होगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो, और रिपीटेशन अलाउड है तो n टू दी पावर r 65 नहीं, 5 इंटू, क्या बात बोलो, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। ना भाग भी भूल जाते हो, अमन ये सवाल समझ में आया? यस सर। अच्छा अब परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया कि if we have n number of object, all the n number objects are different from each other. But sometime what happens, few of them are same. उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। Suppose कि तेरे पास total n number, n object है, उसमें से p object जो है वो same है, तो n में से n टोटल लेंगे तो, मतलब n p n, n में से n सेलेक्ट करेंगे तो हम टोटल कितना नंबर ऑफ वे बनाएंगे? तो अगर n p n, अगर ये एक भी ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है, तब फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल n
by factorial n minus n, that is factorial n by factorial 0. मैंने factorial 0 सिखाया था कि 1 होता है तो factorial n आएगा. लेकिन उसमें से p चीज अगर common है तब आएगा factorial n by factorial p. जैसे अगर कोई तुमसे बोले 1 1 3, एक तुमको तीन डिजिट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है, नहीं ऐसे समझते हैं, एक बार दिया हुआ 1 2 3 और एक दिया हुआ है 1 1 2. इसमें क्या तीनों एक दूसरे से अलग है, तो इसमें से तीन डिजिट का नंबर, इसमें से सिलेक्शन करके नहीं बनाएंगे, एनपीआर नहीं बनता है, पूरा का पूरा एन लेके बनता है. तो हमने क्या देखा था, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. लेकिन अगर ये सेम है तब ये वाला वन और ये वाला वन में कोई तुम फर्क ही नहीं कर पाओगे. तो एक बनेगा 1 1 2, एक होगा 2 1 1 1 2 1, बस यही तीन बनेगा. तो कैसे है, फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल p, इसमें टोटल n कितना है, 3, तो फैक्टोरियल 3. उसमें से कितना रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2, तो 3 × 2 × 1/2 कट के आ गया 3. तो देखो तीन ही बार बना. अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1, देखो 6 तरीके बना. मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ये बताऊंगा कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है. तो लेट अस यहां पे थोड़ा प्रूफ करने का कोशिश करते हैं. अगर तेरे पास n ऑब्जेक्ट है और तुमको बोला गया कि उसमें से कोई मत चुनो, तो तेरे पास कितना तरीका होता है अमन? क्या सर? 0 0. तेरे पास n ऑब्जेक्ट है, हां ऐसा सर. यस सर. और तुमको बोला गया उसमें से कोई मत चुनो, माने कोई नहीं चुनना. हां, तो उसका कितना तरीका होगा? कोई तरीका नहीं होगा, 0. नहीं, एक तरीका होगा, हम कुछ नहीं चुने. तो वो भी एक तरीका हुआ सर. हां, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 0. एक ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि नहीं चुनना. हाँ, तेरे पास अगर माँ तीन लड़की का फोटो लेके आया और बोला इसमें से तुम किससे शादी करोगे, हाँ, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ना, इसे तीन लड़की आया और तुमको शादी किसी से नहीं सर. नहीं नहीं, एक मिनट, और शादी किसी एक से करना है तो तुम कितना परम्यूटेशन लगा सकते हो? 3P1. तो 3P1 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 3, मतलब कोई एक ले लिया, चाहे राधा को लिया, चाहे मीरा को लिया, चाहे सरिता को लिया. तो तेरे पास तीन तरीका है, बट एक तरीका और बता दो, हमको शादी करने ही नहीं है. तो क्या हुआ, हम किसी से नहीं करेंगे, तो NP0, हमको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है. तो फॉर्मूला में क्या बैठेगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 0 n माइनस n. अच्छा नहीं, वो भी बताते हैं, n माइनस 0. तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n कट के कितना आ गया, 1. एक तरीका है. दूसरा है, ए शादी वाला ऑप्शन में चलेगा नहीं तेरे पास, क्योंकि तुम शादी तो किसी एक से ही करोगे ना. लेकिन अभी सोचो कि तेरे पास तीन तरह का गाड़ी कितना, तुम चार से करोगे, क्या बोल रहे हो निशान? नहीं कुछ मत बोल, नहीं तो माँ का दिल टूट जाएगा. तो सपोज कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुमको तीन चीज, तीन तरह का हम चॉकलेट दिए हैं, तो बोले हैं कि भाई एक तरीका है कि तुम तीनों ले लो, तो तीनों लोगे तो क्या होगा, 3P3 सब ले लिए, तो इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो फैक्टोरियल. यस सर. तो तीनों अगर तुम लेते हो तो उसका तरीका कितना ढो है, एक ही तरीका है.
तीनों लेंगे दो लेंगे तो हाँ तो होगा थ्री पी टू थ्री पी टू अच्छा फैक्टोरियल थ्री बाई फैक्टोरियल थ्री माइनस टू दैट इज फैक्टोरियल थ्री बाई फैक्टोरियल वन दैट इज तीन दूनी छह तरीका होगा दो लोगों भी तो भी छह होगा तीन लोग है तो भी छह तीनों का तीनों तुम बोलोगे कि हम ले लेंगे तो एक ही तरीका हुआ ना तीनों ले लिया अब तो कुछ तरीका बचा ही नहीं इसीलिए फैक्टोरियल जीरो जो होता है वो वन होता है क्योंकि वो भी एक तरीका है ना क्योंकि फैक्टोरियल अगर एन चीजें हैं और एन में से हम एन ले ले पूरा तो उसको सजाने का तरीका होता है फैक्टोरियल एन एन है और इसमें से हम कोई चीज नहीं ले तो इसका भी सजाने का तरीका क्या होगा एक होगा बस तो फैक्टोरियल जीरो वन होता है एन एन तो फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस एन तो तो कभी भी ये मत सोचना कि फैक्टोरियल जीरो जीरो होता है हमेशा याद रखना फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर ऐसा हो सकता है एंड फैक्टोरियल जीरो इज ऑलवेज वन माइनस फैक्टोरियल वन नहीं होता है माइनस फैक्टोरियल फाइव नहीं होता वो डिफाइन ही नहीं होता है अनडिफाइंड चीजें हैं सो फैक्टोरियल जीरो इज वन अब अगर कोई चीज कोई समूह है एन चीज का उसमें से कुछ चीजें P1 बार रिपीट है कोई चीज P2 बार है कोई चीज P3 बार है तो उसको एन में से एन चीज लेके हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल एन यहाँ एक बार फैक्टोरियल पी से भाग दिया था जितने चीजें जितनी बार रिपीट है उतना फैक्टोरियल से भाग दे दो जैसे अगर तुमको कोई नंबर दिया 1 1 नहीं 1 1 नहीं 2 1 2 2 3 3 3 तो टोटल कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 कोई तुमसे पूछेगा कि ये 6 डिजिट ले लो और इसको परम्यूटेशन करके तुम कितना संख्या बना सकते हो तो अगर ये 6 अलग अलग होता तो आंसर होता फैक्टोरियल 6 बट इसमें देखो 2 एक तरफ है और 3 एक तरफ है तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 2 भागा दोगे क्यों फैक्टोरियल 2 भागा दोगे क्योंकि दो बार रिपीट है और फिर फैक्टोरियल 3 से भागा दोगे क्यों तीन बार दोगे क्योंकि तीन बार ए रिपीट है जैसे कोई बोला ए बी बी सी 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 इससे हमको नंबर कितना वर्ड बना सकते हो तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 बी कितना बार है दो बार है इसलिए फैक्टोरियल 2 से भागा दिए सी कितनी बार है तीन बार है तो फैक्टोरियल 3 से भागा देंगे अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर ध्यान देना हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड याद रखो यही सब टेक्निक है इसमें कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा तुम ध्यान नहीं दोगे रिपीटेड तो तीन डिजिट का है तो तीन ठो बक्सा बना लिया हमने भाई ठीक है फिर क्या बोल रहा है इवन इवन नंबर होना चाहिए तो इवन नंबर क्या होगा जिसका लास्ट में 2 होगा 4 होगा या 6 होगा तीन होने से तो नहीं होगा तो लास्ट सबसे लास्ट वाला जो राइट हैंड साइड में जो बक्सा है उसको आप कितना तरीका से भर सकते हैं निशान सबसे लास्ट वाला राइट हैंड साइड में जो बक्सा है तो उसको एन तरीका से कितना तरीका से एन 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 तेरे को तो एन एन कहां से है जो डिजिट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 तो लास्ट वाला जो बक्सा है ये वाला राइट हैंड साइड में उसको कितना तरीका से भर सकते हैं निशान यस सर कितना तरीका से भर सकते हैं ये लास्ट वाला को ये क्यों नहीं बता पा रहे हो बहुत मुश्किल है अमन अमन लास्ट वाला बक्सा को कितना तरीका से भरा जा सकता है
हाँ मन बोलो, कुछ गलत होगा होगा, बताओ। निशान तुम बताओ। अरे तीन बक्सा है, तेरे पास छह नंबर है और फाइव माइनस थ्री अमन। अमन अमन तुम म्यूट पे हो। अमन नहीं बोल रहा। निशांत तुम बताओ कि तेरे पास छह नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये लास्ट वाला जो है जिसमें टिक मारे हुए हैं, वो कितना तरीका से भरा जा सकता है? तो दो इसमें चला गया, दो इसमें चला गया, दो तरीका से। कौन कौन सा दो तरीका बोलो सर? कौन कौन सा दो तरीका सर? फाइव सिक्स नाइन, क्या बोलो? कौन कौन सा दो तरीका बताओ निशान। सर नहीं पता क्यों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, इसमें से भरना है तो कितना तरीका से भर सकते हो? अमन अमन कितना तरीका से भर सकते हो? सर आवाज जा रहा है? हाँ जा रहा है सर। लास्ट बॉक्स का बात कर रहे हैं? हाँ जिसमें टिक मारा हुआ है सर, उसमें तीन तरीके से भर सकते हैं, टू फोर सिक्स इवन नंबर। हाँ अगर, क्योंकि कोई भी इवन नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो इवन होता है, दो चार छह, तो इसमें दो, तो इसको तीन तरीके से भर सकते हैं। अगर ये इवन नंबर नहीं दिया रहता तो छह तरीके से भर सकते थे। अब बताओ इसके पहले वाला नंबर सेकंड लास्ट से भर सकते हैं सर? छह तरीका से। हाँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। उसके बाद वाला छह, तो टोटल टोटल हो गया छह इंटू छह इंटू तीन, मतलब कि सिक्स थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन हंड्रेड एट आई थिंक। निशान जैसे बताया करो, क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ मेनी फोर लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट टेन लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब तुमको पहला दस लेटर को सेलेक्ट करना है, वो क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, जी एच आई, आई के बाद जे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये पहला टेन लेटर है, इसमें से कोई भी दो लेटर को ले, हाउ मेनी फोर लेटर सॉरी चार लेटर को लेना है, कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट टेन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये आसान हो गया, रिपीटेड नहीं है। तो तुम्हारे पास यहाँ एन कितना है निशान बताइए? निशान एन कितना है? टेन, एन टेन है, टेन है। और आर कितना है? फोर। तो सिंपल सवाल है, एन पी फोर, फैक्टोरियल टेन बाई फैक्टोरियल टेन माइनस
4, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6, मतलब 10 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बस। अमन समझ में आया? अमन यस सर क्लियर हुआ है वाला? यस सर हो गया। और इसको बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हो क्योंकि 10 नंबर है और चार ऊपर तो पहला वाला 10 से भरा जा सकता है, दूसरा वाला 9 से, तीसरा वाला 8 से, फिर 7 से, फिर सब मिला देंगे तो गुना कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला से बैठाओगे तो 10p4 आ जाएगा इजी। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 टू 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। मतलब देखो इसमें क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसने बोल दिया, और जीरो से नौ नंबर तुमको दिया गया है और स्टार्ट होगा 67 से, तो अगर वो पांच डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 और बोल रहा है स्टार्ट होगा 67 से, तो 67 तो पहले ही तुम डाल दो। अब जीरो में से जीरो से नौ तक कितना डिजिट होता है? 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट में से 2 डिजिट वी हैव ऑलरेडी टेकन, तो अब वहां बचा कितना? जीरो में से नौ में 10 चले गया तो बचा 8, करेक्ट। और यहां कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 8p3। या ऐसे डायरेक्ट बिना फॉर्मूला का बनाओगे तो पहला 8 तरीका से होगा, फिर उसके बाद वाला 7 तरीका से होगा, उसके बाद वाला 6 तरीका से होगा। 8 7 into 6 या फॉर्मूला में लगा के बनाओगे तो 8 बचा है 8p3। अमन क्लियर है? यस सर। अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये तो जरा कोशिश करो तो बनाने का, हमने ढक करके बताया था ना ये 3 है। तो ये हेड टेल हो गया, ये भी हेड टेल हो गया, ये भी हेड टेल हो गया, तो इसका तरीका 2 तरीका, इसका 2 तरीका, इसका 2 तरीका, गुना किया तो 8। या जो एक फॉर्मूला है कि n टू दी पावर r, तो ये n कितना है और r कितना है, n कितना है 3 है, 3 जगह डालना है, और पॉसिबल वे कितना है 2 है, नहीं सॉरी 2 into power 3। तो ये है फर्स्ट क्वाइन में कितना मिलेगा, हेड या टेल, दूसरा में भी हेड या टेल, तीसरा में भी हेड एंड टेल, तीनों में मिला के given 5 flag of different colors, how many different signals can be generated if each signal required to use 2 flag one below the other। aisa samjho ki tere paas 5 jhanda diya hua hai, sabka number hai 1 2 3 4 aur 5, to isme se 2 ko ek sath uthana hai, 5 flag different color ka diya hua, how many different signals can be generated in each signal required to use 2 flags, upar niche karke, to jaise abhi daaye baaye kar rahe the upar niche karenge, ek hi baat hai, matlab 1 2 ek signal hua, 2 1 ek signal hua, 1 3 hai, 3 1 hai, to टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितना है? 5 है, उसमें से तुमको 2 को चुनना है, तो 5p2।
5P2 आंसर होगा, ऐसे बना लो। तो पहला वाला जो पहला फ्लैग है, पहला जो पोजीशन है, उसमें हम कितना तरीका डाल सकते हैं, पांचों में से कोई फ्लैग डाल सकते हैं, तो पांच। दूसरा वाला में कितना है, अब एक बच गया, रिपीट नहीं होना है, तो चारों में से कोई एक, तो 20। या उसको तुम 5P2 भी बोल सकते हो, पांच फ्लैग है उसमें से दो को हमको चुनना है, तो 5P2।